नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आपका हाजीपुर न्यूज़ टुडे में हार्दिक स्वागत है। मैं आज एक खिलाड़ी के साथ हूं जो बिहार में पिछले दिनों हुए खेल सम्मान समारोह में सम्मानित हुए। वो खिलाड़ी हमारे साथ है, उन्हीं से जानते हैं कि वो किस खेल से सम्मानित हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरिशंकर रजक है और मैंने पटना में सम्मानित हुए हैं 28 अगस्त के दिन, और मैं सम्मानित नेशनल शत्रु आज़ाद अवार्ड से सम्मानित हुए हैं, और मैं नेशनल 2-3 इवेंट खेले हुए हैं, जो मैंने नेशनल स्विमिंग भी कर चुके हैं और नेशनल कबड्डी भी खेल चुके हैं और नेशनल T20 क्रिकेट भी खेले हैं, जो कि मैं एक दिव्यांग हूँ। दिव्यांग होने के नाते वैशाली जिला से मैंने बिलोंग कर रहे हैं, वैशाली जिला के बिद्दुपुर प्रखंड के खजवत्ती गांव 10 नंबर वार्ड से मैं बिलोंग कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ, जो हम लोगों को बिहार में काफ़ी दिन से हम लोग खेल रहे हैं 2012 से, लेकिन हम लोगों को किसी प्रकार का ना सहयोग मिल पाता है, ना किसी प्रकार का हम लोगों को यहाँ पर सहायता मिल पाता है, और नहीं तो प्रतिनिधि के द्वारा, नहीं तो हमारे खेल मंत्री क्या है नहीं है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। और हम लोग 2-3 इवेंट खेले हैं, लेकिन हम लोगों को जिला में कुछ भी प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। सबसे पहले हरिशंकर जी, ये बात बताइए कि आप बिहार खेल सम्मान पिछले दिनों सम्मानित हुए, वहाँ पे आपको सम्मानित किया गया जी, जिस खेल से आप जाते हैं वैशाली जिला में, खासकर वैशाली जिला में इसका क्या महत्व है और वैशाली जिला में कितना सहायता आपको जिला प्रशासन से मिलता है या फिर बिहार सरकार से मिलता है? सर, मैं तो जो भी कर रहा हूँ वो अपना स्तर से कर रहा हूँ, ना आज तक हमें जिला अधिकारी के द्वारा 1 रुपया का ना योगदान मिला है और ना किसी के द्वारा हमें सहयोग मिला है। हाल फिलहाल 1-2 दिन आगे पीछे जो सम्मानित हुए हैं, वो मैंने नेशनल स्विमिंग शत्रु आज़ाद अवार्ड से सम्मानित हुए हैं, जो कि हम लोग पटना के सोन भवन में हम लोग का आयोजित सम्मानित का चला था। वहाँ पे हमारे उद्योग मंत्री थे और भूमि मंत्री आलोक विज जी थे और तेजस्वी जी का भी वहाँ पे बुलाहट है था, और सभी लोगों के सम्मानित में आने के बाद हम लोगों को 90 आदमी हम लोग वहाँ पे सम्मानित हुए थे, जिसमें हमारे जिला से 3 आदमी थे, जिसका नाम एक प्रमोद भगत जी हैं जो टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर जीते थे, और उसके बाद हम हरिशंकर रजक भी सम्मानित हुए और एक जितेश कुमार नाम करके लड़का, 3 व्यक्ति हम लोग सम्मानित हुए हैं सर। तो वैशाली जिला से 3 लोगों को सम्मान मिला था, जिसमें हरिशंकर जी भी है, प्रमोद जी को सम्मानित मिला था। तो वैशाली जिले में आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि वैशाली जिले में जिला प्रशासन और बिहार सरकार द्वारा अभी तक कोई सहायता राशि न मिले। ये मैं नहीं कह रहा, ये खिलाड़ी का दर्द है जो हमारे चैनल के थ्रू आपको बता रहा है कि इनको प्रोत्साहन नहीं मिलता। आज प्रमोद जी जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, वैशाली जिला का नाम हुआ है, लेकिन वो खेलते कहाँ से, तो उड़ीसा से खेलते हैं, उनको उड़ीसा सरकार खिलाती है, वो उड़ीसा से स्पॉन्सर होते हैं, लेकिन हमारे वैशाली जिला में, हमारे बिहार में क्या खेल को इतना महत्व दिया जाता है? सिर्फ सम्मानित किया जाता है सिर्फ खेल को, लेकिन खेल को बढ़ावा किस तरह से दिया जाता है? अगर खेल को बढ़ावा दिया जाता तो ऐसे खिलाड़ी हमारे बीच जो है वो आज ये शिकायत बिहार सरकार के और जिला प्रशासन की नहीं करते। तो क्या आपकी मांग क्या है कि आप क्या चाहते हैं कि वैशाली जिला में क्या हो? मेरी मांग ये चाह रहा है, जो प्रमोद जी ने जो किया वो अच्छा किया, जो कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, सौभाग वैशाली के लिए, वैशाली पावन धरती के नाम से जाना जाता है, इसलिए हम लोगों को यही सरकार हो या मेरे जिला अधिकारी हो, हम लोग उनसे यही मांग कर रहे हैं जो हम लोगों को अच्छा से अच्छा स्पॉन्सर दे के और हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, और जिसके कारण हम देश विदेश में अपना नाम और हम अपने देश का नाम आगे करें, और साथ ही साथ में अपना टीम को भी आगे रखने का काम करते हैं, और हमारे डिसेबिलिटी सेंटर में काफ़ी लोग हैं डिसेबल, जो हम लोग आगे उनको खेल से जोड़ रहे हैं और हम लोग आयोजन करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ तो कभी ना फ़ोन किया जा रहा है, ना किसी प्रकार का हम लोगों को सहयोग किया जा रहा है, और झूठे के हम लोगों को सम्मानित में 90 आदमी को सम्मानित किया जाता है, जिसमें से लोग जो होते हैं जिनको पैसा दिया जाता है वो होते हैं मुजफ्फरपुर से, और एक होते हैं हमारे प्रमोद भगत जी वैशाली से, तो ये उड़ीसा से खेल रहे हैं और हम लोग वैशाली से, हम लोगों को किसी भी प्रकार का स्पॉन्सर नहीं मिल रहा। हम अपने जिला अधिकारी के द्वारा, हम जिला अधिकारी से अपनी मांग को रखते हुए कह रहे हैं, जो मैं हरिशंकर रजक, खानपुर पकड़ी पंचायत के बिद्दुपुर प्रखंड के निवासी हरिशंकर रजक ने आपसे मैंने अपना स्पॉन्सर के रूप में मांगा है, कोई पैसा कौड़ी नहीं मांग रहा हूँ मैं, मुझे एक स्पॉन्सर चाहिए, मुझे प्रशिक्षण संस्था चाहिए, जिसके मार्फत मैं अपना वैशाली का नाम ऊँचा करूँ, मैं अपना बिहार का नाम ऊँचा करूँ। देखिए, सपोर्ट तो मेरी घर में, जो मैं एक रिलेशनशिप मौसी मौसा के पास रह रहा हूँ, वहाँ पर मुझे बहुत सारा सुविधा मिलता है, जिसके कारण मैं वहाँ पर रह रहा हूँ, और वहाँ पर मुझे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, मुझे घर मम्मी नहीं। पापा आपके क्या घर परिवार में? मेरे मम्मी तो, मैं जब 6 महीना का था तो मेरे मम्मी ने डेट कर गया,
मुझे पाषाण पोलने करने के लिए मेरा नाना जी नानी जी थे वही किए, और अदरवाइज दुनिया में कोई नहीं किया। माता पिता क्या होते हैं हम आज तक जाने नहीं, और फिर भी मैंने अपना मैं नाना नानी का सहयोग से मैं इतना आगे बढ़ा हूँ, और उसके आगे भी मेरा मौसी मौसा का सहयोग, भाई सब का सहयोग मिला है, जो आज मैंने नेशनल गेम के लिए मैं आयोजन में जाता हूँ, भाग लेता हूँ, और मैं अपना वैशाली के लिए खेलना चाहता हूँ, और मैं अपना जिला के जिला अध्यक्ष से मैंने उम्मीद के तौर पर कितना बार मैंने मैसेज किया हूँ, जो सर मुझे आप मुझे सहयोग करें, आप मुझे ऑर्गेनाइजेशन में भाग दिए, और मुझे हमें आज तक की ना 0 रुपया का सपोर्ट हुआ है, ना हमें कोई स्पॉन्सर मिला है सर। अकेले खुद के बल पर अपने मौसे नाना नानी जिन्होंने इनको आगे बढ़ाया उनके दम पर आगे आए हैं। इनके परिवार में मम्मी पापा नहीं है, ये नहीं जानते परिवार, लेकिन जिन्होंने भी इनको सपोर्ट कराया है, उनको इनको आगे बढ़ाया है, आज भी उनको ये शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हम भी जिला प्रशासन से, वैशाली जिला प्रशासन से, बिहार सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें, इनको खेलने का जगह दे, स्विमिंग पूल दे, क्योंकि वैशाली जिला में एक भी ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है जहाँ पे लोगों को शिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, लोग सेल्फ खेलते हैं। तो वैशाली जिला प्रशासन से मेरा अनुरोध होगा कि यहाँ खेलने की व्यवस्था करते, बिहार सरकार से हुआ, खेल मंत्री से ये निवेदन होगा कि यहाँ पे खेलने की व्यवस्था करें, और ताकि यहाँ के खिलाड़ी, वैशाली के खिलाड़ी आगे जाएं और देश में ही नहीं विदेश में अपना नाम रोशन करें।